हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टोपर स्टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। सो वन मोर क्लास फॉर योर एग्जाम, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इसमें भी हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्मार्टिंग, की स्मार्टिंग के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो एज वी ऑल नो की स्मार्टिंग इन्वॉल्व, फर्स्ट वन इज रिडक्शन, melting of matter, formation of slag. क्या होता है smelting? कि reduction of oxide ore, किसके साथ? oxide ore का reduction with carbon at high temperature, जिसे हम कहते हैं that is known as smelting. ये जो होता है ये किसकी presence में होता है? ये reducing agent की presence में होता है, in a blast furnace. Is that clear? और जो reducing agent जो mostly used किया जाता है वो क्या है? That is carbon. जो reducing agent है जो most used किया जाता है वो क्या है? That is carbon. तो option देखते हैं, reduction of ore take place. अभी हमने देखा कि smelting में क्या क्या चीज होती है, reduction है, तो ये तो सही है. Slag is formed, yes, formation of slag, second भी सही है. Molten metal is obtained, yes, melting of metal, तो जो third है वो भी सही है. बचा क्या? Oxidation of ore take place. तो जो fourth statement है that is incorrect, जो fourth option है that is the correct answer, क्योंकि question में पूछा था कौन सी statement क्या है, incorrect है. Is that clear? Move करते हैं next question पर. Question number second is the following conversion is, ठीक है, क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, या फिर एरोमेटिक एडिशन है. तो ये क्या है? दैट इज ब्रोमोबेंजीन, किसकी प्रेजेंस में? प्लस NaOH, और क्या फॉर्म हुआ? दैट इज फिनोल. तो जो Br है, सपोज अगर इसकी रिएक्शन देखें, Br ले लो या Cl ले लिया, मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया प्लस NaOH, तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉर्म होगा दैट इज O नेगेटिव और Na पॉजिटिव. अगर इसमें HCl डालेंगे तो इट विल फॉर्म दैट इज फिनोल. तो ये कौन सी रिएक्शन है? दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो जो पहला ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर. ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है? तो जो पहला ऑप्शन है वो है एनोमर्स है, ऑप्टिकल आइसोमर है, या फिर फंक्शनल आइसोमर है, या फिर चेन आइसोमर है. तो एक चीज पता होगी कि जो ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है, इनका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सेम होता है, दैट इज C6H12O6. दोनों का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सेम होता है, बट इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है. जो इनके फंक्शनल आइसोमर्स है वो क्या है? कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है? वो है फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि उनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, बट जो फॉर्मूला है वो क्या है? वो सेम है. तो लेट्स सी, पहला है एनोमर्स, एनोमर्स नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है, फंक्शनल आइसोमर है, जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आयुपेक नेम ऑफ एलाइल क्लोराइड, की एलाइल क्लोराइड का आयुपेक नेम क्या होता है. तो जो एलाइल क्लोराइड है ये क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ठीक है, जो एलाइल क्लोराइड है ये क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन में पूछा है कि इसका आयुपेक नेम क्या होगा. तो जो इसका आयुपेक नेम होगा, जो इसका वो होती है स्ट्रक्चर, दैट इज CH2 डबल बोन CH CH2, दैट इज CF. ये क्या होती है? एलाइल क्लोराइड की स्ट्रक्चर होती है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. अब इसकी नेमिंग करनी है, तो नेमिंग के लिए सबसे पहले इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी. अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इधर क्या है? डबल बोन्ड है, तो नंबरिंग यहीं से होगी, दैट इज 1, 2, 3. ठीक है, टोटल कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, और 1 पे क्या है? डबल बोन्ड है, ये क्या हो गया? प्रोपीन. अब 3 पे क्या है? दैट इज Cl है, दैट इज क्लोरो. तो ये क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो प्रोप 1 ई. तो लेट्स सी, पहला है 3 क्लोरो प्रोप 1 ई, तो जो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर. इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाय. तो जो नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट है वो कौन देता है? इज गिवन बाय बेंजाइल एल्कोहल. लेट सी ऑप्शन, पहला है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, इनकरेक्ट. दूसरा जो है बेंजाइल एल्कोहल. तो जो सेकेंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, की जो नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट है इज गिवन बाय बेंजाइल एल्कोहल. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर सिक्स है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉटर सॉल्यूबल विटामिन, कि इनमें से कौन सा वॉटर सॉल्यूबल विटामिन है. तो हम विटामिन दो तरह के पढ़ते हैं, एक होता है फैट सॉल्यूबल विटामिन, और दूसरा होता है वाटर सॉल्यूबल विटामिन.
अब क्वेश्चन में पूछा वाटर सॉल्युबल विटामिन, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो कौन होता है, दैट इज विटामिन ए डी ई एंड के, शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो दैट इज कीड़ा, इज दैट क्लियर। बात करें वाटर सॉल्युबल, तो जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो विटामिन के क्या है, फैट सॉल्युबल है, विटामिन डी भी क्या है, फैट सॉल्युबल है, विटामिन ए भी क्या है, फैट सॉल्युबल है, बचा कौन सा विटामिन बी, दैट इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। एक बार देख लेते हैं, तो विटामिन न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी बॉडी को जरूरी होते हैं डेवलप के लिए और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, इज दैट क्लियर। हम दो तरह के विटामिन पढ़ते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं कौन कौन से, विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ई विटामिन के, ये कौन से हैं, दैट इज फैट सॉल्युबल विटामिन। और विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप ये कौन से होते हैं, दैट इज वाटर सॉल्युबल, इज दैट क्लियर। आफ्टर दैट हर एक विटामिन का अपना अलग रोल है हमारी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए। जैसे कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी कुछ डिसीज होती हैं और जनरली क्वेश्चंस यहाँ से आप पूछा जाता है। तो लेट्स सी, जो पहला है विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन सी डिसीज होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सी डिसीज होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी वन का बहुत बार पूछा जाता है, विटामिन बी वन की जो कमी से डेफिशियंसी से कौन सी डिसीज होती है, बेरी बेरी, इज दैट क्लियर। विटामिन सी की कमी से एज वी ऑल नो दैट इज स्कर्वी। विटामिन ई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, विटामिन के की डेफिशिएंसी से ब्लड क्लोटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इंपॉर्टेंट विटामिन ए विटामिन बी वन सी और विटामिन के बहुत बार इन्हीं से एग्जाम्स में पूछा जाता है और DSSSB में तो विटामिन बी वन का क्वेश्चन बहुत बार आया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन है, C2H5Br रिएक्ट करता है किसके साथ, CH3Br के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ Na एंड ड्राई ईथर गिव्स। तो आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी वुड्स रिएक्शन, दैट इज वुड्स रिएक्शन। लाइक सी, देखते हैं क्या थी वुड्स रिएक्शन एक बार। सो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, जब एल्काइल हैलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम, कि सोडियम के साथ जब वो रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो वो हायर एल्कीन्स फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, हायर एल्कीन फॉर्म करता है जो कंटेन करते हैं इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे फॉर एग्जांपल दैट इज 2CH3Br प्लस 2Na, तो इसने क्या फॉर्म किया, C2H6 प्लस 2NaBr। तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल किसके हैं, मिथाइल ब्रोमाइड जो रिएक्ट कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल किसके हैं, दैट इज मिथाइल ब्रोमाइड जो रिएक्ट कर रहे हैं दो मॉलिक्यूल किसके, दो सोडियम एटम के साथ, और फॉर्म कर रहे हैं इथेन और टू मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, इज दैट क्लियर। कि दो मॉलिक्यूल किसके हैं, मिथाइल ब्रोमाइड के, जो रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, सोडियम के साथ, और फॉर्म कर रहे हैं इथेन और दो मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, दैट इज 2NaBr। तो इसमें सोडियम ब्रोमाइड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2। तो ये थी दैट इज वुड्स रिएक्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन में था कि C2H5Br रिएक्ट कर रहा है CH3Br के साथ, C2H5Br रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, CH3Br Na की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ Na और ड्राई ईथर। हमें ये तो पता चल गया रिएक्शन कौन से, दैट इज वुड्स रिएक्शन। तो लेट्स सी कि इफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड आर यूज्ड इन द रिएक्शन देन अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 alkene विल बी फॉर्म। कि अगर दो डिफरेंट टाइप्स के एल्काइल हैलाइड है, एक है C2H5 ने रिएक्ट करा CH3Br के साथ, ठीक है, तो दो डिफरेंट टाइप्स हैं एल्काइल हैलाइड के और यूज्ड हो रहे हैं इन द रिएक्शन, तो जो कॉम्बिनेशन होगा उस केस में कितने एल्केन्स फॉर्म होंगे, 3 alkenes फॉर्म होंगे, ठीक है। तो इन सच अ केस इफ मिथाइल एंड इथाइल ब्रोमाइड इज यूज्ड टू रिएक्ट विद सोडियम देन अ मिक्सचर ऑफ, अगर इस केस में जो मिथाइल है और इथाइल ब्रोमाइड है, दैट इज C2H5Br और CH3Br, तो इफ मिथाइल है या फिर इथाइल ब्रोमाइड अगर वो यूज कर रहे हैं टू रिएक्ट विद सोडियम, तो उस केस में क्या बनेगा, प्रोपेन ब्यूटेन और इथेन विल बी फॉर्म, प्रोपेन ब्यूटेन इथेन। लेट्स सी कैसे, तो दैट इज 2CH3Br, ठीक है, 2CH3Br सोडियम के साथ किया तो क्या फॉर्म किया, C2H6 कितने कार्बन है, 2 carbon है, दैट विल बी इथेन और प्लस 2NaBr, क्या फॉर्म किया, इथेन, ठीक है। उसके बाद CH3Br की रिएक्शन किसके साथ हुई, CH3Br की रिएक्शन हुई 2Na प्लस C2H5Br, तो उस केस में इसने क्या किया, C3H8, तो कितने कार्बन है, 3 carbon है, तो दैट इज मैट एट प्रोपेन। आफ्टर दैट 2C2H5Br प्लस 2Na, तो C4H10, तो दैट इज ब्यूट That is butane. तो after the reaction जो form हुए वो कौन-कौन हुए? That is ethane, propane और butane. ठीक है? Is that clear? Ethane, propane और butane. तो जो fourth option होगा, that is the correct answer. Is that clear? Move करते हैं next question पर. Question number 8 is if the concentration of nitrate in water exceeds 50 ppm, it leads to.
कि यदि पानी में नाइट्रेट की जो कंसेंट्रेशन है वो 50 ppm से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में जो होता है दैट इज मिथहीमोग्लोबिनेमिया। तो जो पहला ही ऑप्शन होगा ये क्या होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। लेट सी कि मिथहीमोग्लोबिनेमिया कि जब एक्सपोजर होता है अलग अलग डिफरेंट केमिकल एजेंट का, जैसे नाइट्राइट, तो जिसे हम यूज करते हैं एज एडिटिव, किसको, मीट को क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, जिससे वो खराब ना हो। तो ये क्या एक तरह का ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें नॉर्मल अमाउंट ऑफ मिथहीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है। हीमोग्लोबिन एज वी ऑल नो क्या होता है, दैट इज अ प्रोटीन होता है इन रेड ब्लड सेल्स दैट कैरी एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन को, जो कैरी करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारी बॉडी के अंदर। मिथहीमोग्लोबिन भी क्या है, एक हीमोग्लोबिन की ही फॉर्म है। विद मिथहीमोग्लोबिनेमिया हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है बट इट इज नॉट एनेबल टू डिलीवर टू अफेक्टिवली टू बॉडी टिश्यू, बट वो उसको अफेक्टिवली बॉडी टिश्यू तक नहीं डिलीवर कर पाता, तो इट कैन पोटेंशियली कॉज मोर सीरियस सिम्टम्स। तो क्या कॉज करता है, मोर सीरियस सिम्टम्स कॉज करता है ड्यू टू इनसफिशियंट ऑक्सीजन की वजह से। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, द रॉ मटेरियल दैट इज नॉट यूज इन ग्लास इज, कौन सा रॉ मटेरियल है जिसे हम ग्लास में यूज नहीं करते हैं। तो जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है वो किया जाता है सैंड, सोडा एश और लाइमस्टोन, ये रॉ मटेरियल हैं जिन्हें ग्लास में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला है सैंड, सोडा एश, लाइमस्टोन, तो ये तीनों तो नहीं है। पूछा है कि नॉट यूज, तो एल्यूमिनिया को यूज नहीं किया जाता इन ग्लास। इज दैट क्लियर? तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पॉलिस्टर अमंग द फॉलोइंग पॉलीमर इज, कि निम्नलिखित बहुलकों में पॉलिस्टर है, तो पॉलिस्टर अमंग द फॉलोइंग पॉलीमर इज, दैट इज टेरिलीन, दैट इज टेरिलीन, और टेरिलीन को और क्या कहते हैं, डेक्रॉन। लेट्स सी, पहला है नायलोन 6, इनकरेक्ट, नायलोन 6 इनकरेक्ट, डेक्रॉन इज द करेक्ट आंसर। जो थर्ड ऑप्शन होगा ये क्या हो गया, सही आंसर। लेट्स सी, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है जो डिराइव होता है फ्रॉम कॉल, एयर, वाटर एंड पेट्रोलियम। ठीक है, जो पॉलिस्टर फाइबर्स है ये फॉर्म होता है, कैन फॉर्म वेरी लॉन्ग चेन पॉलीमर जो कंपोज होती है एस्टर ग्रुप, जो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसे हम यूज करते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जैसे पेट्रोलियम, होम फर्निशिंग, इंडस्ट्रियल फैब्रिक एक्सेट्रा। पॉलिस्टर के बहुत सारे एडवांटेज है ओवर ट्रेडिशनल फैब्रिक जैसे कॉटन। ठीक है, बट ये इट डज नॉट अब्सॉर्ब मॉइस्चर को अब्सॉर्ब नहीं करता, बट डज अब्सॉर्ब ऑयल, और ये जो क्वालिटी है पॉलिस्टर को एक परफेक्ट फैब्रिक बनाती है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ वाटर, सॉइल एंड फायर रेजिस्टेंस फिनिशिंग। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है दैट इज टेरिलीन, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिस्टर। ये किसका एग्जाम्पल है, ये पॉलिस्टर का एग्जाम्पल है। ये ऑप्टेन होता है बाय द कंडेंसेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिथैलिक एसिड। इज दैट क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है कि जो ये ऑप्टेन कैसे होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिथैलिक एसिड। ये हाईली रेजिस्टेंस होता है टू द एक्शन ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट एंड कैन बी ब्लेंडेड विद वूल, कॉटन, जिससे हम फैब्रिक्स ऑप्टेन करते हैं ऑफ द डिजायर्ड कंपोजिशन। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज पॉलीमर। एज वी ऑल नो जो पॉलीमर होता है, जो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनता है, एक लार्ज चेन जिसे हम कहते हैं, तो पॉलीमर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका मॉलिक्यूलर मास हाई होता है और विच कंसिस्ट ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट। एग्जैक्टली, जो बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। हम नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, ये सब क्या है, ये क्लासिफिकेशन है पॉलीमर के, किसके बेसिस पे, उनके सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी के बेसिस पे, हम इन्हें 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है नेचुरल पॉलीमर, दूसरा होता है सिंथेटिक पॉलीमर और तीसरा होता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर एज वी ऑल नो वो पॉलीमर जो हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं, जैसे प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, एग्जाम्पल सेलुलोज स्टार्च। आफ्टर दैट सिंथेटिक पॉलीमर वो पॉलीमर्स होते हैं जो प्रिपेयर्ड किए जाते हैं आर्टिफिशियल या फिर मैनमेड इन द लैबोरेटरी, जैसे सिंथेटिक रबर, नाइलॉन 6, टेफ्लॉन एक्सेट्रा। आफ्टर दैट सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक मतलब केमिकल मॉडिफिकेशन के थ्रू सम पॉलीमर्स अकर नेचुरली, जैसे सेलुलोज नाइट्रेट, रेयन, इसे और क्या कहते हैं, सेलुलोज एसीटेट, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आफ्टर दैट एज वी ऑल नो जो बैकेलाइट है वो क्या है, पॉलीमर है जो मिलके किससे बना है, मोनोमर, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनोल। और बहुत बार ये भी पूछा जाता है, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। बैकेलाइट क्या है, एक पॉलीमर है जो किस मोनोमर से मिलके बनता है, तो फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल। ठीक है, ड्यू टू एक्सीलेंट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज के वजह से इसे हम यूज करते हैं स्विचेस वगैरह बनाने के लिए, और ये हाई रेजिस्टेंस है टू इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, दैट इज इंपॉर्टेंट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ पार्टिकल हैज डिस्प्लेसमेंट 12 सेंटीमीटर टूवर्ड ईस्ट। एक पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 12 सेंटीमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, आफ्टर दैट टूवर्ड ईस्ट एंड 9 सेंटीमीटर टूवर्ड नॉर्थ।
9 सेंटीमीटर है टूवर्ड नॉर्थ और 12 सेंटीमीटर टूवर्ड ईस्ट. आफ्टर दैट 6 सेंटीमीटर वर्टिकली अपवर्ड, दैट इज 6 सेंटीमीटर वर्टिकली अपवर्ड. ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज, क्या बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज. तो एज वी ऑल नो, जो हमें इसमें गिवन टर्म्स हैं वो क्या क्या है, डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड ईस्ट, डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड ईस्ट ये कितना है 12 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड नॉर्थ दैट इज 9 सेंटीमीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली अपवर्ड दैट इज 6 सेंटीमीटर, दैट इज 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तीनों का डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो हम निकाल लेंगे यहां से टोटल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज टोटल displacement is equals to that is 12 square plus 9 square plus 6 square. और इसे calculate करने के बाद जो value आएगी that is root 261, root 261. तो let's see, पहला जो option है root 261 centimeter is the correct answer. कि जो पहला option होगा ये क्या हो जाएगा, correct answer. Move करते हैं next question पर. So question number 12th is the velocity time graph of a ball moving on the surface of floor is shown in figure. The force acting on the ball if mass of the ball is 100 gram. कि जो फर्श की सतह पर गतिमान गेंद का वेग समय ग्राफ चित्र में दिखाया गया है. ठीक है, यदि गेंद का द्रव्यमान 100 ग्राम है तो गेंद पर लगने वाला बल कितना होगा. ठीक है, तो एज वी ऑल नो कि इसमें हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, तो वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड और ये क्या है टाइम इन सेकेंड. ठीक है, दैट इज 10 और ये 20 है, 1 2 3 4, तो 10 2 और ये. तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जो आपका वेलोसिटी जो स्लोप है, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ वो क्या दे रहा है, गिव्स द एक्सेलरेशन, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन. Acceleration. So acceleration is equals to that is v 20 upon t, that is 4. So ye ho jayega 4 5 sir 20. So acceleration kitna gaya 5 meter per second square. Theek hai, 5 meter per second square. Is that clear? After that isme hame nikalna hai force acting on a ball. So as we all know, force is equals to mass into acceleration. Mass kitna given hai, that is 100 gram. मास कितना है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम को चेंज किस में कर लेंगे, केजी में, तो दैट इज 0.1 केजी. इज दैट क्लियर, ये कितना हो जाएगा 0.1 केजी. तो मास हो गया 0.1 इनटू एक्सेलरेशन दैट इज 5, और इसे कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी 0.5 न्यूटन, दैट विल बी 0.5 न्यूटन. लेट्स सी, पहला है 0.1 न्यूटन, ये हो गया जो लास्ट ऑप्शन होगा, ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मास इज 100 ग्राम इज इंक्रीज फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज, क्या है कि जो 100 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 36 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ जाता है, कि जो पिंड पर लगने वाला बल है, जो बॉडी पर लगने वाला बल है, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, जो गिवन टर्म्स है वो हम देख लेंगे, कि जो मास ऑफ बॉडी है, मास ऑफ बॉडी ये क्या गिवन है, दैट इज 100 ग्राम. ठीक है, जो गिवन टर्म्स है इसमें जो मास ऑफ बॉडी है ये क्या है 100 ग्राम. इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज v, वो कितनी है, दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर. इज दैट क्लियर, कि इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड और जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर. तो इसे चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 36 इंटू 5 अपॉन 18. ठीक है, 18 टू जा 36, 5 टू जा 10. ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड. अब ये किसमें है, ये ग्राम में, इसे भी चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा 0.1 केजी, दैट इज 0.1
केजी, इतना गिवन है, इतनी चीजें हमें क्या है क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. तो एज वी ऑल नो जो टाइम है, टाइम कितना गिवन है, दैट इज 5 सेकेंड. टाइम इज दैट इज 5 सेकेंड. तो एज वी ऑल नो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, एक्सेलरेशन दैट इज ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी. ठीक है, कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी. तो फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड माइनस जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 5 और अपॉन 5. तो ये कितने हो जाएगी, 10 में से 5 गए, 5 अपॉन 5 हो जाएगी 1. तो जो आपकी एक्सेलरेशन आ गया निकल के, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड. अब आफ्टर दैट इन्होंने जो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास कितना है 0.1 केजी और एक्सेलरेशन दैट इज 1. इसे कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज, ये कितना हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका 0.1 न्यूटन. क्या आ जाएगा, दैट इज 0.1 न्यूटन. तो जो पहला ही ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, अ बॉडी ऑफ मास 2 केजी इज थ्रोन अप वर्टिकली विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 500 जूल. एक बॉडी का जो मास है वो कितना है, वो है 2 केजी, और वो वर्टिकली क्या किया जा रहा है, थ्रोन किया जा रहा है विद काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज 500 जूल. इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, की जो एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हाइट एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, की जो हाइट होगी एट विच, जिसपे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी क्या होगी, बिकम हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू इज, क्या हो जाएगी, बिकम हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू इज. तो लेट्स सी, इस क्वेश्चन में मास गिवन है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, और क्या गिवन है, ग्रेविटी दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इज दैट क्लियर? तो लेट हाइट एच एट विच द काइनेटिक एनर्जी, लेट हाइट एच एट विच द काइनेटिक एनर्जी, एट विच द, जिस पर क्या है, एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम, दैट इज कितना है, बिकम हाफ. ठीक है, लेट हाइट एच एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू. इज दैट क्लियर? ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, तो दैट इज, ये निकाल लेंगे, एम जी एच इज इक्वल टू, ठीक है, लेट हाइट एच हमने लेट कर दिया, एम जी एच इज इक्वल्स टू, ये कितने गिवन थी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 500 अपॉन 2. मास कितना गिवन है, 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है, दैट इज 10. हाइट निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 500 अपॉन 2. अब इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी 10 इंटू 20 इंटू एच इज इक्वल्स टू 500 अपॉन 2. तो यहाँ से इसे कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 12.5. ठीक है, ये हो जाएगा 20 इंटू एच इज इक्वल्स टू 250. ठीक है, एच इज इक्वल्स टू 250 अपॉन 20, ये कर दिया. ठीक है, 25 से इसे कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा दैट इज 2 × 2, 2 × 4, 12.5 मीटर. इज दैट क्लियर? तो लेट्स सी, पहला है 6.75, 8.5, 10.2. जो 12.5 होगा दैट इज द करेक्ट आंसर. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, अ मशीन गन फायर 60 बुलेट पर मिनट विद अ वेलोसिटी ऑफ 700 मीटर पर सेकेंड. ये एक मशीन गन है, 700 मीटर पर सेकेंड के वेग से प्रति मिनट 60 गोलियां क्या करती है, फायर करती है. यदि प्रत्येक गोली का जो द्रव्यमान है, मास गिवन है 50 ग्राम है, तो बंदूक द्वारा विकसित शक्ति क्या है, पावर डेवलप निकालना बाय द गन इज. तो इसमें भी जो सॉरी मास ऑफ बुलेट जो गिवन है दैट इज 50 ग्राम. मास ऑफ बुलेट ये कितना गिवन है, दैट इज 50 ग्राम. आफ्टर दैट वेलोसिटी ऑफ मास ऑफ बुलेट गिवन है 50 ग्राम. जो वेलोसिटी है बुलेट की, वेलोसिटी ऑफ बुलेट दैट इज 700 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, जो वेलोसिटी है वो क्या है, 700 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv². ठीक है, तो हाफ ये ग्राम में, इसे केजी में कर लो, दैट इज 0.05 kg. ठीक है, ये होगा इंटू 0.05 वेलोसिटी 700 इंटू 700.
ठीक है, यहाँ से इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी, जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी, इसे कैलकुलेट कर लेना, दैट इज 12250 जूल। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी आ गई वो आ गई 12250 जूल। आफ्टर दैट पावर डेवलप, तो पावर डेवलप निकाल लो सिंपल, एनर्जी अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी निकाल ली हमने 12250, और जो एनर्जी गिवन है, ठीक है, हमने जो एनर्जी निकाल ली दैट इज 12250, बट जो टाइम गिवन है, टाइम है दैट इज 60, दैट इज 60 के मशीन गन फायर करिए 60 बुलेट पर मिनट, तो दैट इज 60 × 12250/60। कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू बॉडीज इज एफ। इफ ईच मास एंड डिस्टेंस, जो उनका मास और डिस्टेंस है बिटवीन दैम आर डबल, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम इज, पूछा है कि जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उनके बीच में वो सेम रहेगा, हाफ हो जाएगा, या फिर डबल हो जाएगा, या चार गुना हो जाएगा। तो उस केस में एज वी ऑल नो कि जो मास होता है टू बॉल्स का, लाइट कर लेते हैं, लाइक द मास ऑफ टू बॉल is m1 and m2, like the mass of two ball is m1 and m2, and they are separated by distance r, ठीक है, let the mass of two ball m1 and m2 and they are separated by distance, ठीक है, आर्थ, इज दैट क्लियर? सो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2/r² इज दैट क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? नाउ गिवन दैट जो मास है, मास ऑफ ईच बॉल एंड डिस्टेंस बिटवीन द दैम, मास ऑफ ईच बॉल एंड डिस्टेंस बिटवीन उनके बीच में क्या है, वो है बिटवीन दैम इज डबल, दैट इज डबल, की मास ऑफ ईच बॉल एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम दैट इज डबल, ही गिवन है हमें, तो निकाल लो मास ऑफ फर्स्ट बॉल, ठीक है, मास ऑफ फर्स्ट बॉल दैट इज m1, और ये क्या है, डबल है, तो ये क्या हो गया 2m1। वही मास ऑफ सेकेंड, ठीक है, मास ऑफ सेकेंड बॉल, मास ऑफ सेकेंड बॉल दैट इज m2, हो गया 2m2, ठीक है, ये भी क्या है, डबल है। आफ्टर दैट डिस्टेंस बिटवीन टू बॉल जिसे हमने डिनोट किया था किससे, r से, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा, दैट इज 2r। तो फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, जी m1 m2/r², इज दैट क्लियर? यही था, एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2/r², तो ये क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू जो मास था फर्स्ट बॉल का दैट इज 2m1 2m2/2r, ठीक है, 2m1 2m2/2r, और ये क्या था, स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, दैट इज r स्क्वायर, तो दैट विल बी 2r² इज दैट क्लियर, कि एफ इज इक्वल्स टू जी 2m1 2m2/2r² इज दैट क्लियर? तो ये हो जाएगा f इज इक्वल्स टू दैट विल जी 2 × 4 दैट इज 2 × 4 m1 m2, और इसका स्क्वायर करेंगे ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी 4r² 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट, बचा क्या, f इज इक्वल्स टू जी m1 m2/r², तो ये सेम रही रहेगा, ये सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आया है, तो ये क्या आ गया, f is equals to g m1 m2/r², तो let's see remain same, तो जो first option होगा that is the correct answer. Next question, question number 17 है, which of the following is an example of combination reaction, कि इनमें से combination reaction का कौन सा example है, तो combination reaction एक type होती है chemical reaction की, जिसमें दो या उससे ज्यादा reactant एक दूसरे के साथ combine होते हैं और एक single product बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं combination reaction, ठीक है, जिसे हम कहते हैं combination reaction, is that clear? So let's see, जो पहला है 2Mg, that is magnesium जब react करता है oxygen के साथ
तो फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. और ये किसका एग्जाम्पल है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है. तो जो फर्स्ट ऑप्शन हो गया ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन. इनमें से कौन सी एल्केन की प्रॉपर्टी नहीं है? तो दे हैव हाई रिएक्टिविटी, तो जिनकी रिएक्टिविटी होती है वो होती है लो. तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? तो जॉर्ज ऑन मैंडल, जो पहला ही ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर. कि जॉर्ज ऑन मैंडल दैट इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. तो थ्रू हिज वर्क इन्होंने काम किस पे किया था? इन्होंने काम किया था किस पे? पी प्लांट पे. और इन्होंने डिस्कवर किया था फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स. एरिस्टोटल को कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी. ठीक है, एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन किया था एनिमल्स का ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट. हैबिटेट्स के बेसिस पे एरिस्टोटल ने किया गया था एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया था. तो बात करें अगर फादर ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज जॉर्ज ऑन मेंडल. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रनिंग रेस इज ऑर्गेनाइज बिटवीन अल्ट्रासोनिक ऑडिबल एंड इंफ्रासोनिक वेव इन अ मीडियम. तो विनर कौन होगा? कि एक रनिंग रेस ऑर्गेनाइज है किस किस के बीच में? अल्ट्रासोनिक, ऑडिबल और इंफ्रासोनिक वेव्स इन अ मीडियम. तो विनर कौन होगा? तो ये सारे क्या होगी? इनकी सेम स्पीड है. तो देयर इज नो विनर और लूजर. तो पहला है अल्ट्रासोनिक, इनकरेक्ट. इंफ्रासोनिक इनकरेक्ट. ऑडिबल इनकरेक्ट. सबकी स्पीड सेम है, इसमें कोई विनर और ना ही लूजर होगा. तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर. लेट्स सी कि जो साउंड वेव है ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, चाहे अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक और ऑडिबल वेव्स, इन आइडियल गैस जो एयर ट्रैवल, ये सेम स्पीड से ट्रैवल करती हैं, क्योंकि इन्हें वेव नेचर की ये डिपेंड नहीं होती है, चाहे वो अल्ट्रासोनिक हो, इंफ्रासोनिक हो या फिर ऑडिबल वेव्स हो, कि बिकॉज दे डू नॉट डिपेंड ऑन वेव नेचर. आफ्टर दैट जो करेक्ट आंसर है वो हमने देख लिया. तो जो साउंड वेव है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है. तीन तरह की होती है, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक और ऑडिबल. और इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है. तो इंफ्रासोनिक साउंड, जो साउंड बिलो होती है 20 हर्ट्ज से, अल्ट्रासोनिक 20,000 हर्ट्ज, और ऑडिबल साउंड होती है बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000, 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर दैट इज 4/3. रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास 3/2 विद रिस्पेक्ट टू एयर. रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रेस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट वॉटर इज कितना होगा? ये पूछा है. क्या पूछा है? कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वॉटर is. So as we all know, तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, ये निकल जाएगा आपका दैट इज 4/3, दैट इज 3/2. तो ये हो जाएगा 3 3 9, सॉरी ये निकलेगा किसके रिस्पेक्ट में निकालना? वाटर के रिस्पेक्ट में. तो दैट इज 3/2, 4/3. तो ये हो जाएगा 9/8. तो जो इसका आंसर होगा दैट इज 9/8, दैट इज 9/8. तो जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकाला था हमने, किसका निकाला है? ग्लास का. किसके रेस्पेक्ट में निकाला था? ये निकाला था वॉटर के रेस्पेक्ट में. तो दैट इज 9/8. ठीक है, लेट्स सी. जो पहला ऑप्शन है 2/3 इनकरेक्ट, 3/2 इनकरेक्ट, 9/8 इज द करेक्ट आंसर. लेट्स सी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. ठीक है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, और इसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, अ बर्ड इन एयर एट अ हाइट y फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर. कि वायु की, वायु में एक पक्षी जल की सतह से y की ऊंचाई पर है, दैट इज सरफेस ऑफ वाटर, जिसे हमने डिनोट कर दिया किससे? म्यू. ठीक है, दैट इज अ सरफेस ऑफ वाटर. अब बर्ड इन एयर, बर्ड किसमें? हवा में, एट हाइट y. ठीक है, ये क्या है? दैट इज बर्ड. आफ्टर दैट अ फिश इज एट डेप्थ. जो फिश है वो क्या है, कहाँ है? वो डेप्थ में है. ठीक है, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, दैट इज फिश. यहां से निकालनी है अपेरेंट डिस्टेंस ऑफ फिश फ्रॉम द बर्ड इज, कि पक्षी से मछली की आभासी दूरी क्या है. यहां से निकालनी है अपेरेंट डिस्टेंस. इज दैट क्लियर? क्या फाइंड आउट करनी है? अपेरेंट डिस्टेंस. तो निकाल लो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसमें पहले गिवन टर्म्स लिख लेते हैं. सबसे पहला जाएगा हाइट ऑफ बर्ड, गिवन है हमें हाइट ऑफ बर्ड जो है वो गिवन है, दैट इज वाई. ठीक है, हाइट ऑफ बर्ड गिवन है, फिश इज एट डेप्थ एक्स. ठीक है, हाइट ऑफ बर्ड तो गिवन है वाई, और जो डेप्थ गिवन है फिश की, डेप्थ ऑफ फिश इज एक्स.
ठीक है, और apparent distance of fish from the bird. तो refractive index of water is, refractive index of water is mu. निकालनी है क्या? apparent distance. Is that clear? क्या find out करना है? apparent distance. तो निकालेंगे apparent distance of fish from the bird. That is given है y. ये कहाँ है? air में है. plus that is जो ये है वॉटर फिश है सॉरी ये कहाँ है? ये डेप्थ में है. तो ये हो जाएगा x डेप्थ में है दैट इज वॉटर. ठीक है, y और x निकाल लो यहां से अपेरेंट डिस्टेंस. ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एयर का कितना होता है? दैट विल बी 1. तो ये हो जाएगा y प्लस 1 प्लस x म्यू वॉटर. तो दैट विल बी x. ये हो जाएगा y प्लस x अपॉन u. लेट्स सी जो पहला ही ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर. तो पहला ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर की जो एपरेट डिस्टेंस है ऑफ फिश फ्रॉम द बर्ड इज y प्लस x अपॉन u. तो जो पहला ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23 है. अ सेल नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एंड EMF 2 वोल्ट. की एक सेल है जिसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है ना के बराबर है एंड EMF गिवन है दैट इज EMF गिवन है 2 वोल्ट. जो सीरीज में क्या है? कनेक्ट है, कॉम्बिनेशन है 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम. तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टेंस इज. ठीक है, तो हमें इसमें किसमें कनेक्ट किया है? सीरीज में दैट इज 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम. तो निकाल लो 5 और 3 8 और 2 10 ओम. कितना आ गया? दैट इज 10 ओम. आफ्टर दैट द करंट थ्रू द सर्किट, द करंट थ्रू द सर्किट, द करंट थ्रू द सर्किट दैट इज I is equals to E upon resistance series. क्या given है? That is 2 volt. और ये कितना आया था? That is time. ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10. तो that will be 1 by 5 ampere. कितना आ जाएगा? 1 by 5 ampere. तो potential difference across the 3 ohm resistance is. Now the voltage that is formula किसे निकलेंगे? V is equals to I R. तो now the voltage across the resistor is, now the voltage across the resistor is, तो V is equals to I R. I हमने निकाल लिया, that is 1 by 5 into resistance कितना था? That will be 3 ohm. ठीक है, तो यहां से आ जाएगा V, potential difference. तो calculate करके जो value आएगी that will be, ये कितना आ जाएगा calculate करने के बाद? 3 upon 5, तो ये approx आएगा 0.3 upon 5 हो जाएगा 0.6 वोल्ट. तो लेट्स सी 0.2 0.4 0.6 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? कि अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली. कि एक पर्सन है जिसे मायोपिया है तो जो डिस्टेंस के जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली देख पाता है, यानी कि डिस्टेंस मतलब दूर के ऑब्जेक्ट. अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली. जिसे हाइपरमेट्रोपिया है तो वो नजदीक वाले ऑब्जेक्ट इजीली देख पाता है. अ पर्सन विद मायोपिया, कि जिस पर्सन को मायोपिया है कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली. तो ये बात सही है कि जिस पर्सन को मायोपिया है तो वो पास वाले जो ऑब्जेक्ट है उन्हें क्लियरली देख पाता है. पूछी थी कौन सी सही है. लेट्स सी. मायोपिया, मायोपिया को हम कहते हैं नियर साइटनेस डिफेक्ट. इसमें क्या होता है? पर्सन इज अनेबल टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, कि उसे दूर के ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते हैं बट वो पास वाले ऑब्जेक्ट क्लियरली देख लेता है इन केस ऑफ मायोपिया. इज दैट क्लियर? तो ये जो होता है ये किसके वजह से होता है? जब लाइट फॉल आती है आई पर तो जो इमेज फॉर्म होती है वो कहाँ होती है? इंस्टेड ऑफ रेटिना. इट जनरली यंगर एज ग्रुप में देखा जाता है. और करेक्ट किससे किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस से. तो जो क्वेश्चन हर बार पूछा गया है कि मायोपिया से रिलेटेड, एक तो नियर साइडनेस डिफेक्ट, ठीक है, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहे, पास के नहीं दिखाई दे रहे, जैसे अभी चार स्टेटमेंट गिवन थी. और सबसे मेन कि किससे करेक्ट किया जाता है, ठीक है. After that, pressed myopia. A person suffering from this defect is unable to see the nearby and far distance object clearly. इस केस में जो पर्सन को अगर प्रेस बायोपिया है तो उसे जो पास वाले ऑब्जेक्ट है, जो नियर बाई चीजें हैं, उसे वो अच्छे से नहीं दिखती, बट जो फार डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है वो इजिली दिख जाते हैं. और ये करेक्ट किया जाता है बाई फोकल लेंस से. बाई फोकल लेंस मतलब कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस से. तो करेक्ट साइटनेस विल बी एबल टू सी नियर बाई एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. उस वजह से वो पास के भी और दूर के भी दोनों ऑब्जेक्ट देख सकता है.
आफ्टर दैट हाइपरमेट्रोपिया, ये भी एक विजन डिफेक्ट है जिसे लोग लॉन्ग साइटनेस इफेक्ट भी कहते हैं। जिस पर्सन को ये होता है तो उसे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो दूर वाले ऑब्जेक्ट वो इजीली दिखते हैं लेकिन पास वाले ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते हैं। और ये किससे करेक्ट होता है, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, और ये जनरली जो देखा जाता है ये एल्डर पीपल्स में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, अ चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। तो जो पहला ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये दोनों क्या है, दो सेपरेट, देयर आर टू एस्पेक्ट है ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज एट रेस्ट ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और मूविंग चार्ज विद एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटम बम एंड हाइड्रोजन बम आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फीजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फीजन रिएक्शन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फीजन रिएक्शन या फिर न्यूक्लियर फीजन रिएक्शन। तो ये तो नहीं है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन या फिर न्यूक्लियर फीजन रिएक्शन। तो देख लेते हैं एक बार, जो प्रिंसिपल पीछे है हाइड्रोजन बम के वो किसके ऊपर बेस्ड है, अनकंट्रोलेबल न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। न्यूक्लियर बम बेस्ड होता है ऑन द फीजन ऑफ यूरेनियम इज प्लेस एट द कोर ऑफ हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम जो बेस्ड होता है वो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बेसिस पे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27 है, द प्रोसेस इन विच न्यू एंड डिफरेंट वेव्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग इमर्ज एट डिफरेंट टाइम इज कॉल्ड, कि वह प्रोसेस जिसमें अलग अलग समय पर समझाने और सोचने के नए और अलग अलग तरीके सामने आते हैं तो वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉन्टिन्यूस लर्निंग, डिसकॉन्टिन्यूस लर्निंग, एक्सपेक्टेड लर्निंग या फिर अनएक्सपेक्टेड लर्निंग। तो उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज डिसकंटिन्यूस लर्निंग। तो जो आपका सेकेंड ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है कि रीजनल बायस कैन बी मिटिगेटेड इन स्कूल बाय वन ऑफ द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग, कि निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा स्कूलों में क्षेत्रीय पूर्वग्रह को कम किया जा सकता है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पर्पसिव टीचिंग ऑफ हिस्ट्री, ये बात सही है कि इतिहास का उद्देश्यपूर्ण शिक्षक, तो जो पहला ही ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बात हो रही है रीजनल बायस की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 इज लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज, तो पहला है चेंज इन बिहेवियर, कि लर्निंग की वजह से हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, चेंज अचीव थ्रू प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से आते हैं, चेंज फॉर बेटर या वर्स भी हो सकता है, चेंज दैट इज नॉट मेजरेबल। तो लर्निंग कैन बी डिफाइंड एक ऐसा चेंज है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, जो फोर्थ ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है कि आइडेंटिफाई द सिंबल दैट इज यूनिक टू द मैथमेटिक्स लैंग्वेज, की बताना है मैथमेटिक्स के सिंबल्स को बताना, पहचानना है जो क्या बनाती है मैथमेटिक्स लैंग्वेज को यूनिक बनाती है। तो हम कौन कौन से सिंबल यूज करते हैं, दैट इज एडिशन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंट। तो ये कुछ सिंबल है जो मैथमेटिक्स को क्या बनाते हैं, द सिंबल दैट इज यूनिक टू द मैथमेटिक लैंग्वेज। तो लेट्स सी, तो जो पहला ही ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, स्पेशल अटेंशन गिवन टू स्टूडेंट विद और विदाउट स्पेशल नीड इज कॉल्ड, की विशेष आवश्यकताओं वाले या बिना विशेष आवश्यकता वाले छात्रों पर दिया गया विशेष ध्यान वो क्या कहलाता है, जनरल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, रेमिडियल या इंटीग्रेटेड। तो उसे हम कहते हैं रेमिडियल एजुकेशन, क्या कहते हैं उसे हम, रेमिडियल एजुकेशन। लेट्स सी, जनरल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, रेमिडियल एजुकेशन, जो थर्ड ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओनोमेटोपोइक वर्ड्स, ओनोमेटोपोइक वर्ड्स का सही एग्जाम्पल क्या है, तो रीड राइट, क्वैक क्वैक, सेंसोंग या फिर टेल टेल। तो जो क्वैक क्वैक है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ओनोमेटोपोइक वर्ड। ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया, आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फर्दर ऐसी क्लास के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।